Finally, we finished our bottle artwork. But how to protect our artwork? Oh yes, we can apply varnish. But which varnish we can use? And after varnish, how to wash our brushes? ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके भी हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। Hey guys, once again welcome to Craftarena and this side is Lochan. So guys, in this video I will share all the things about varnish. मार्केट में डिफरेंट टाइप के वार्निश अवेलेबल हैं, बट मैं यहाँ पर वो शो कर रही हूँ जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ। सो फर्स्ट ये है स्प्रे वार्निश और इसका प्राइस है 230 रुपीज़। नाउ ये है लिटिल बर्डी का डेकोर वार्निश एंड ये भी आपको 230 to 250 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएगा। ये वार्निश ग्लॉस और मैट दोनों ही फिनिशिंग में आता है, तो जो भी आपको पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको स्टेशनरी पर मिल जाएंगे और अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, सो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ ये है एशियन पेंट्स का वुड वार्निश। ये वार्निश आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पर मिल जाएगा और ये काफ़ी इकोनॉमिकल है। इसकी प्राइस है 70 रुपीज़। नाउ वार्निश अप्लाई करने के लिए आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपना फेवरेट ब्रश यूज़ ना करें। इस टाइप के आर्टवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्प्रे वार्निश यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर लिटिल बर्डी का डेकोर वार्निश भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसे आपको ब्रश से अप्लाई करना होगा, सो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। स्प्रे वार्निश यूज़ करने में बहुत ईजी है, बट इसका ऑडर बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो जिसे एलर्जी है वो प्लीज़ इसे यूज़ ना करें। और जब कभी भी आप वार्निश करते हैं तो अच्छे वेंटिलेशन वाले स्पेस पर ही करें एंड मेक श्योर वार्निश करने से पहले आपका आर्टवर्क अच्छे से ड्राई होना चाहिए। ये वार्निश 2 to 3 hours में अच्छे से ड्राई हो जाता है। नाउ इस टाइप के लाइट शेड वाले आर्टवर्क पर अगर आपको वार्निश करना है तो आप लिटिल बर्डी का डेकोर वार्निश यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप मैट फिनिशिंग वाला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्लॉस फिनिशिंग वाला भी। मुझे यहाँ पर मैट फिनिशिंग करना है, सो मैं यहाँ पर मैट फिनिशिंग वाला वार्निश यूज़ कर रही हूँ। इस वार्निश को आप ब्रश पर लेकर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप इसे डायरेक्टली बॉटल पर डालकर इसे अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। स्प्रे वार्निश एंड लिटिल बर्डी का डेकोर वार्निश का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि ड्राई होने के बाद भी कलर चेंज नहीं करता है। किसी भी आर्टवर्क को अगर हम वार्निश से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे उसका कलर निकलने लगेगा। सो आप किसी भी टाइप का आर्टवर्क करते हो, आप उसे वार्निश से ज़रूर सील करें। नाउ इस टाइप के बॉटल लैम्प पर अगर आपको वार्निश करना है तो आप यहाँ पर ग्लॉस फिनिशिंग वाला ही चूज़ करें, क्योंकि जब आप इसमें फेरी लाइट्स डालेंगे तो इसका इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। गाइस, इन सारी बॉटल आर्टवर्क का ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर अवेलेबल है, सो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप इस टाइप से अगर नेम प्लेट्स बनाते हैं, कोई भी आप क्ले आर्ट वर्क करते हैं, तो उन पर भी आप ये सेम वार्निश अप्लाई कर सकते हैं।
नाउ जिसे हमें रफली यूज़ करना है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एशियन पेंट्स का वुड वार्निश। इस बॉटल में मैं लगाने वाली हूँ मनी प्लांट और इसे मैं रखूँगी बाहर बालकनी में, वहाँ आएगी बहुत सारी डस्ट और मुझे इसे बार बार को वॉश करना होगा। सो ये वार्निश बाकी उन सारे वार्निश से ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, सो इसीलिए मैं इस बॉटल पर ये वाला वार्निश अप्लाई कर रही हूँ। बट इस वार्निश का माइनस पॉइंट ये है कि ये थोड़ा सा येलोइश शेड देता है, सो जहाँ पर वाइट एरिया है वहाँ पर ये थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा। अगर ये येलोइश शेड ना दे तो ये बेस्ट वार्निश है। ये वार्निश ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, सो इसे एटलीस्ट आप 7 to 8 hours के लिए इसे ड्राई होने दें। नाउ हाउ टू क्लीन आवर ब्रशेज। सो ब्रशेज को क्लीन करने के लिए हम यूज़ करेंगे टर्पेंटाइन ऑयल, और ये ऑयल आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पर इजीली मिल जाएगा। और एक हमें चाहिए कोई भी वेस्ट क्लोथ। नाउ टर्पेंटाइन ऑयल में ब्रशेज को अच्छे से वॉश करके क्लोथ से आपको अच्छे से इस तरह से क्लीन करना है। इस प्रोसेस को आप एटलीस्ट 2 to 3 times करें तो आपके ब्रश अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। ये प्रोसेस आप तब तक ही कर सकते हैं जब तक कि आपके ब्रश ड्राई ना हो। एक बार ड्राई होने के बाद ये टर्पेंटाइन ऑयल से भी क्लीन नहीं होंगे। आई थिंक वार्निश से रिलेटेड मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर वार्निश से रिलेटेड आपके और भी कोई डाउट्स है, और भी कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर विजिटिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।